अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह आराफ में, वतलु अलैहिम नबअ अल्लज़ी आतैनाहु आयातिना, ए नबी इन्हें उस शख्स के हालात सुनाइए जिसे हमने अपनी आयात अता की थी। आयात से मुराद इल्म भी हो सकता है और जिन्हें हम कहते हैं करामात औलिया, वो बहुत बड़ा आबिद और जाहिद और वलीउल्लाह शख्स, बहुत बड़ा आलिम, साहिब करामत बुजुर्ग। वतलो ये बनी इसराइल में था, बलआम बिल बाउरा इसका नाम था, कुरान में नाम नहीं है लेकिन ये तौरात में तफसील मौजूद है। वतलो अलैहिम नबा लजी आतैना हो आयातना फनसलख मिनहा, फिर वो उसमें से निकल भागा, फातबाहु शैतान, शैतान उसके पीछे लग गया, एक औरत के अगवा में वो सारी उसकी नेकी और जोहद और तकवा और इल्म सब खत्म। फनसलख मिनहा, उस मकाम से निकल गया, भागा, फातबाहु शैतान, फिर शैतान उसके पीछे लग गया, फकाना मिनल गावीन, और वो हो गया बहुत ही गुमराह लोगों में से। वलो शेना लरफाना हो बेहा, अगर हम चाहते तो उसे और तरफ अता करते और बुलंदी अता करते, जो कुछ हमने उसे दिया था उसमें और तरक्की होती। वलाकिन्नहु अखलद इलल अर्द, लेकिन वो तो जमीन की तरफ ही धंसता चला गया, जमीनी ख्वाहिशात, जमीनी आरजुएं, शहवात, इन्हीं के अंदर मुबतला हो गया। वत्तबा हवा, अपनी ख्वाहिशात के पीछे लग गया। फमसलहु कमसलिल कल्ब, उसकी मिसाल कुत्ते की सी है। इन तामिल अलैह यलहस और तत्रुक हो यलहस, चाहे उस पर तुमको बोझ रखो तभी वो तो हांपेगा, ना उसके ऊपर कोई चीज डालो तभी वो हांपता ही रहता है, उसकी फितरत के अंदर हांपना है। फरमाया ज़ालिका मसलुल क़ौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बि आयातिना, यही मिसाल उस कौम की भी है जो हमारी आयात को झुठला दे। फ़क़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफक्करून, तो ऐ नबी आप ये हालात सुना दीजिए शायद के लिए गौर व फिक्र करें। मैं आपको यह आयत इसलिए सुना रहा हूं, ये सारी आयात हैं अल्लाह की, 400 साल से मुजद्दिदीन यहां, इस सदी के अजीम तरीन आज़िम रिजाल उम्मत के यहां, यहां के लिए तहरीक चली तो इस्लाम के नाम पर, यहां फिर मौजूदा हुआ पाकिस्तान के क्याम का, उसके बका का, फिर अगला मौजूदा हुआ करारदाद मकासिद का, सरवरी ज़ेबा फ़कत उस ज़ात बेहमता को है, हुक्मरा है एक वही बाकी बुताने हाजरी, अगरचे उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई लेकिन यह भी तो बड़ी बात है। दुनिया में कोई और मुसलमान मुल्क नहीं है जिसके दस्तूर में यह सब्त हो कि यहां हाकमियत अल्लाह की है। दिस इज द सॉलिटरी एग्जाम्पल, सॉवरेंटी बिलोंग्स टू हिम नॉट टू अस। हमारे पास जो इख्तियार है वो एक सेक्रेट ट्रस्ट है विच विल बी यूज्ड विद इन द लिमिट्स लेड डाउन बाय द रियल सॉवरन। फिर यही ये मौजदा हो गया है जो यहूदियत का सबसे बड़ा हथकंडा है। इकबाल ने कहा था ई बनूक ई फिक्रे चालाके यहूद, ये बैंकिंग का निजाम ये तो यहूदियों की चालाक जहनीत और उनकी साजिशी जहन की पैदावार है, और इनके जरिए से क्या हुआ है, नूरे हक असीनाए आदम रबूत, ये सूद की बुनियाद पर चलने वाले बैंकों ने इंसान के अंदर से वो नूरानियत खत्म कर दी है जो अल्लाह ताला ने इसके अंदर डाली थी। तातहो बालाना गर्दा दी निजाम दानिशो तहजीब दी सौदाए खाम, जब तक ये बैंकों का बेड़ा गर्क नहीं होता, तहो बाला नहीं होता ये निजाम, उस वक्त तक दानिश दीन तहजीब सब सौदाए खाम है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उसका भी नुक्ता आगाज ये मुल्क बना है कि यहां सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि कमर्शियल इंटरेस्ट बैंक इंटरेस्ट भी रिबा है और हराम है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं। ये तो है अल्लाह की आयात, लेकिन अगर हम बलआम बिन बाउरा बनने का फैसला कर लें, हम सिर्फ दुनियावी ख्वाहिशात, अपने अपनी बिल्डिंगें, अपनी हवेलियां और अपने मकान और अपने महल और अपने विलाज और अपनी कारों का मॉडल और अपने टेलीविजन का साइज, इसी चक्कर में रहे, हर लज़ा हर लहजा हर वक्त हर पैसा सिर्फ मजीद बनाने और कमाने और बढ़ाने के लिए हो, अगर यही रहेगा, वला किन्नहु अखलदा इलल अर्द, जमीन की तरफ धंसते चले जाएंगे, तो बलआम बिन बाउरा की तरह हम बारगाह खुदावंदी से मरदूद भी हो सकते हैं, खाकम बदहन, अल्लाह न करे कि ऐसा हो। लेकिन ये जान लीजिए अब जो हालात आने वाले हैं, खोल कर आंखें मेरे आई नए अफकार में आने वाले दौर की हल्की सी एक तस्वीर देख, मिडल ईस्ट के ऊपर तो बहुत बड़ी आफत आने वाली है और वो बहुत करीब है, अब ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन ये कि दूसरे इस वक्त उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा मुजरिम हिस्सा मुसलमानान अरब, क्यों, उनको मकाम यह दिया गया था कि उनकी जबान में अल्लाह का कलाम नाजिल हुआ और मौजूद है, आज भी मौजूद है।
پھر بھی انہوں نے نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینکا، کسی نے ماسکو کو اپنا امام بنا لیا اور قبلہ بنا لیا، اور کسی نے واشنگٹن کو بنایا، ان سے بڑا مجرم کوئی نہیں، ان کو بہت بڑی سزا ملنے والی ہے۔ ویل للعرب من شر قد اقترب، حضور نے فرمایا تھا عرب کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی۔ اور دوسرے نمبر پر مسلمانہ نے پاکستان مجرم نمبر دو، یہ بلعام بن باورہ بننے کی طرف جا رہے ہیں اگر ہم نے یہاں سیکولر نظام قائم کیا، نام و نشان بھی مٹے گا، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، اور اللہ کے ملعون اور مردود اور مغضوب علیہم میں ہم بھی شامل ہو جائیں، اس لیے کہ اللہ نے اتنی کچھ نشانیاں ہمیں دی ہیں، یہ پورا تاریخ 400 برس کی تاریخ لا کر ہمارے پردے میں ڈالی ہوئی ہے، سارے مجددین امت اس علاقے میں پیدا کیے، لیکن اگر اب بھی ہم آگے نہ بڑھیں، لیکن یہ معاملہ بالکل دوسرا ہے، کیسے آگے بڑھیں، کیا کریں، یہ ظاہر بات ہے کہ ہماری جو بھی تحریک ہے ہم اپنی سمجھ کے مطابق کر رہے ہیں، جو اپنے اپنی سمجھ کے مطابق کر رہے ہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہر ایک کے لیے۔ لا حجت بیننا وبینکم اللہ یجمع بیننا والیہ المصیر، ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ آپ تو غور کیجئے، ہر شخص کو اس جد و جہد کے اندر مصروف ہونا لازم ہے کہ یہاں اسلام آئے، کس کے ساتھ مل کر کام کرے، کس طریقے، یہ سوچیں، غور کریں، یہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے یہ آج خود نہیں آ جائے گا، محمد الرسول اللہ والذین معہ نے وہ قربانیاں دی تھی اور مشقتیں کی تھی تو وہ اسلامی انقلاب برپا ہوا تھا، اور اسی نہج پر ہمیں کام کرنا ہوگا۔